एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी बस डिफरेंस स्टार्ट लेने के बाद अब आपसे पूछती हूँ क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बस आप सबको अपने मौसम की सूरत हाल दिखाने जा रही हूँ कि 3 दिनों से आज चौथा या पंचवा दिन है, इतना मौसम खराब है, वेदर इतना ज्यादा बुरा है ना, बंदा ना कानों को हाथ लगा रहा है कि ये मौसम किस तरह का है, इस मौसम की क्या है खासियत। बहुत ही बुरा मौसम है। इसके साथ एक चीज़ आपको दिखाने जा रही हूँ, रात को हमारी ना स्ट्रीट में एक बहुत ही बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। मीन एक्सीडेंट वो वाला नहीं, एक बहुत ही बुरा सा, मीन रात के ये 12:12 और 12:30 का टाइम था और ये हस्बैंड ने क्लिप बनाया था क्योंकि पहली दफ़ा उनके लेट नाइट तक जागने का फ़ायदा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे वाकई कॉर्नर पे इतनी ज़्यादा आग थी, इतनी ज़्यादा आग थी कि हस्बैंड खुद हैरान हो गए थे। क्योंकि वो कहते मैं बैठा था और अचानक से आवाज़ आई बहुत ज़्यादा। जब हस्बैंड ने कैमरेज वगैरह भी लगाए हुए हैं तो वो भी स्क्रीन पे उस तरह से भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था कि कुछ हुआ है। तो फिर हस्बैंड बाहर निकले, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तो वाकई थोड़ा सा लाइव देख लें कि हुआ कैसे था या क्या था। आप सबने भी देखा होगा, देख के हैरान रह गए होंगे। दरअसल इस घर की वैन थी, बड़ी सारी वैन, और उसमें ये आग लगी थी और बहुत ज़्यादा आग लगी थी। और हस्बैंड कहते हैं कि मैंने भी वैसे कॉल कर दी थी कि फायर वाले आ जाएं ताकि आग को बुझाया जा सके। कहते हैं मैं तो करीब भी जाने से डर रहा था कि इतनी ज़्यादा आग थी, तो शुक्र है वो आ गए थे तो उन्होंने आग वगैरह को बुझाया। और सुबह तक वो गाड़ी, मीन उसका बहुत ही बुरा हाल हो गया था, वैन था बहुत ही ज़्यादा ना देखने वाली। वो जब हस्बैंड ने वीडियोज़ दिखाए तो मैं तो हैरान ही रह गई कि ये भी हुआ रात को। मोहम्मद पिछले पर जाएगा, आप उसके पैर गिल्ले हो गए। ओए ओए छोड़ जू, आइस के ही ना, आइस के ही बनता है। लुक आइस में पूरा नहाई है। लुक वाह, देखो हम तो हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, बहुत ज़्यादा। You mentioned it when you went out that it's raining, so you you know that it's gonna go. I like you. You I like you when it's raining. Hey, you wet my face, I'm wet it. That's good. I just do that. गैस देखा आपने जैसा कि हमारा हाल, कि हम मैं स्कूल से इंशा को पिक करके आई थी और इतनी ज़्यादा बारिश थी, इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मेरा तो घर आके हस्बैंड की फरमाइश थी कि जी आज तो पकौड़े बन जाएं। मैं कह चलें जी पकौड़े बना लेती हूँ, और वो जल्दी से लेके आ गए थे पालक, क्योंकि पालक के पकौड़े वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं और अनियन तो मैं इतने ज़्यादा डालती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब बस पकौड़े बनाने जा रही हूँ कि चले आपसे भी शेयर करती हूँ। पालक डाली है मैंने, पकौड़े डाले, थोड़े से धनिया डाले हैं साथ में जी, पटाटो मैंने लॉन्ग स्लाइसिस में कट करके डाले हैं। और सच में वीक से बारिश हो रही है, हवा इतना बुरा, वेदर है कि वाकई पकौड़ों का दिल तो करना ही था। रोज़ भीग भीग के, तो मैं आपने जैसा कि देखा मैं इंशा को लेके आई थी तो टोटली मैं भीग चुकी थी, मेरा कोट बिल्कुल वेट हो चुका था, इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आईसी वाली और बहुत ही बुरा वेदर है भाई। तो मैं बल्कि फ़ोन से वीडियो भी बनाना चाह रही थी लेकिन फ़ोन, हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि फ़ोन भी कंट्रोल में नहीं था। तो मैंने कहा लो जी इससे तो अच्छा है कि मैं पॉकेट में डालूँ, ये ना हो कहीं गिर के टूट गया तो फिर कोई न्यू मुसीबत पड़ जाएगी। तो इस तरह से वरना मैं आपको बाहर से ज़रूर दिखाती जो वेदर का हाल था, और जो विंडी हवा की वजह से जो उसका साउंड आ रहा था ना, जो आवाज़ आ रही थी वो भी दुबा दुबा, किन जाने इतनी ज़्यादा हवा थी कि वो हमें पुश कर रही थी। और जो मैं अम्ब्रेला लेके गई थी उसका तो सत्यानाश हो गया था, बल्कि बेड़ा गरक हो गया था, उसकी एक एक तार टूट गई थी, बहुत ही बुरी तरह से वो अम्ब्रेला मेरी सारी टूट गई। मीन अच्छी भली में लेके गई थी और उसका बुरा हाल करके मैं उसको मैं वहीं बिन में डाल आई, और इसलिए तो मेरा कोट भी वेट हो चुका था। इंशा तौर ने तो खूब इंजॉय की। और इसके साथ ही अच्छा यहाँ पे ना मैंने ना आज थोड़ा सा पकौड़ों में डिफरेंट थिंग डाल रही हूँ, वो है योगर्ट, 2-3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर योगर्ट डाली है। बस मैंने कहीं देखा था तो मैंने कहा चलें जी ट्राई करती हूँ कि इसका क्या इफ़ेक्ट है पकौड़ों में। तो बस इसका अच्छे से मैंने पेस्ट बनाना और रेडी करना है। बहुत जल्दी में मैंने ये पकौड़े बनाए क्योंकि अचानक ही हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि जी पकौड़े खाने हैं क्रिस्पी क्रिस्पी,
उनको अच्छा, मुझे बिल्कुल भी पकौड़े छोटे वाले मिनी वाले छोटे छोटे से बनाने अच्छे नहीं लगते मुझे, अच्छे लगते हैं थोड़े से उसका साइज़ अच्छा हो ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी। और मुझे याद आ जाती है इस टाइम पे तो मेरे अपने भाइयों की, जब भी मैं वहाँ पे पकौड़े वगैरह बनाती होती थी और उसके बाद जो स्मॉल स्मॉल मिनी वाले टाइनी टाइनी से क्रिस्पी से रह जाते हैं बाद में बाइट्स, वो मेरे भाइयों को बड़ी पसंद थी। और जब भी पकौड़े बनाती हूँ इस बात को तो मैं ज़रूर याद करती हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सासा रायता भी बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास मिंट सॉस पड़ा है, रेडीमेड कोई और नहीं बनाऊँगी, वही अंदर डाल के तो जल्दी जल्दी से बना लूँगी। वैसे वाकई बारिश में पकौड़ों का जो मज़ा आता है ना उसकी, तो वो जो खुशबू होती है ना, वो खुशबू ही जब आने लग जाती है ना तो ऑटोमेटिकली इंसान को भूख ना भी लग रही हो ना लग जाती है। मैं कह चले जी आज हस्बैंड की फरमाइश पूरी करती हूँ क्योंकि वाकई वीक से बारिश हो रही है, रोज़ मैं भीग के आती हूँ अंदर, रोज़ जाती हूँ भीग जाती हूँ, तो ठंड है बहुत अजीब सा ही वेदर है। देखते हैं अब स्नो होती है या नहीं होती है क्योंकि बहुत ही आइसी सा वेदर है। मेरी फिंगर्स भी इतनी ज़्यादा रेड हो गई थी, इतनी शल हो रही थी कि दर्द हो रही थी। सच में आज ऐसा मौसम था कि न्यूज़ में भी कल बताया गया था कि कल कोई ना निकले, ये इस तरह से डेंजरस वेदर है, ये है वो है, लेकिन सभी बाहर थे, जो भी देखे सभी बाहर थे क्योंकि स्कूल थे तो बच्चों को पिक वगैरह तो करना ही था ना। आपने देखा भी होगा जब हम इंटर हुए थे बिल्कुल भीग गए थे और वाकई इतना ही रेड फेस हुए हुए थे कि अगर आप मेरे नज़दीक से देखते ना हमारे कोट और हमारे फेस, आप कहते हैं इनको क्या हुआ है। और बकायदा न्यूज़ में भी कल बताया गया था कि आज के दिन पे कोई ना ज़्यादा निकले या अपनी केयर करे क्योंकि स्कूल जाना था बच्चों ने, तो फिर उनको ज़ाहिर है पिक एंड ड्रॉप तो करना ही था ना। देखते हैं कब तक ये वेदर रहता है। और जी मैंने पकौड़े बना लिए, मैं कह चलें जी आपके सामने थोड़ा सा पकौड़े ट्राई करते हैं। अच्छा कौन कौन ऐसा करता है कि पकौड़ा वगैरह बनाते हुए भी साथ साथ कोई खा लेता है। और हमने कहा रमज़ान से पहले चले थोड़ा सा ट्राई करते हैं, बहुत ही मज़े के बने थे। सच्ची मैंने तो आज झटाझट से पकौड़े बनाए हैं, मैंने कहा चलें जी आज किसी ने फरमाइश की और इसी बहाने मैं भी खा लूँगी क्योंकि पकौड़े बने और रुका किससे जाता, और साथ में अगर प्लेन वाली रोटी हो ना और रायता हो पकौड़े हो मज़ा ही आ जाए। तो आई होप आप लोगों को मेरी रात की मॉडलिंग भी अच्छी लगी हो, अब मॉडलिंग वाला व्लॉग बस मैं ऐसे ही करती होती हूँ ये। तो इसके साथ ही बस यहाँ पे दे मुझे इजाज़त और बस दुआ है कि अल्लाह ताला इस वेदर में सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सब अपने घर में सेफ रहें। ये तो फिर मुझे दें जाने की इजाज़त। ओके जी अल्लाह हाफिज़।